パッパ。हमारे पूजनीय श्री सुजी मिश्रा जी हैं, हाँ, उन्हीं के बेस से सारा स्टार्ट हुआ है। आज उन्हीं की देन है जो कि पिक्चर यहाँ तक पहुँच गई है और ईश्वर की कृपा से आगे भी जाएगा। इससे कि सबसे खास बात यह है कि जो स्क्रिप्ट लिखा है इन्होंने वो इनका जी मिश्रा जी का ही है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि लव स्टोरी है तो लव स्टोरी हर जगह होती है, पर इसका आपको जो ट्रीटमेंट है, जो स्क्रीन प्ले है, वो आपको फ्रेश मिलेगा। और काफ़ी कुछ यूथ के लिए उसमें है, कुछ उसमें मैसेज भी है और कंप्लीट इंटरटेनिंग पिक्चर है। और मुझे उम्मीद है कि पिक्चर हमारी अच्छी जाएगी। तो कास्ट क्या बताइए कि कौन कौन से कास्ट एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ डेट्स का ये है, फिर भी अभी कास्ट का नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन जो भी है वो मार्केट के ही है। और ये कुछ समय में आपको फिर से आपको इनवाइट करके और फ्लोर पे जाने से पहले पिक्चर आपको पूरा डिस्क्लोज कर देंगे हम लोग। आज के बारे में जानना चाहूंगा, आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम हमारा तीन गाने का जो डबिंग है ऑलरेडी उसका ये थीम हो चुका है। और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है छोटे बाबा जी हैं, वो आज की डेट में काफ़ी फिल्में कर रहे हैं अभी। तो म्यूजिक जो है हमारा स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट स्ट्रांग है और आई थिंक अपना जो ये कास्टिंग है वो भी अच्छी रहेगी। और एक छोटे से छोटा जो किरदार है वो भी पावरफुल किरदार है। तो दिनेश जी, कब तक ये फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और कब तक देखने को मिलेगा दर्शकों को? ये हमको लगता है कम से कम, आपको भी मालूम है, कम से कम ये नेक्स्ट कमिंग मई में फ्लोर पे जाएगा और बारिश के बाद में हम लोग का रिलीज हो जाएगा उसमें। सर, आप सिर्फ जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आपने भी एक से एक फिल्म बनाया अपने करियर में, तो कितना चुनौती होता है एक फिल्म बनाना? सबसे पहले तो मैं दिनेश सिंह जी को, मिश्रा जी को और नंद कुमार महतो जी को बधाई दूंगा इस नई फिल्म के लिए। और एक चुनौती के बाद, तो जब फिल्म लाइन में उतर ही गए हैं तो फिर चुनौती से क्या डरना। जब आज मुहूर्त है फिल्म का, इसके पहले सारी चुनौतियां मेरे ख्याल से खत्म हो गई और अब तो हिम्मत से आगे बढ़ने का दौर शुरू हो गया। तो क्या परिवर्तन नजर आता है आज के दौर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्मों में इतना ज़्यादा सुधार हुआ है हर क्षेत्र में? दिनेश सिंह जैसे जो युवा लोग इस फिल्म लाइन में आएंगे, मुझे लगता है तब सुधार करेंगे। आज तक तो मुझे ना भोजपुरी में 90% अश्लील और अश्लीलता भरी हुई है, अश्लील लोग और अश्लीलता भरी हुई है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और विनंती करूँगा दिनेश सिंह और नंदकिशोर महतो जी जैसे लोगों से कि आने वाले समय में फिर उस दौर को लाएँ कि हम अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ बैठकर भोजपुरी फिल्म देख सकें। लेकिन बजट काफ़ी बढ़ रहा है और मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म लग रही है, तो क्या कहने, कितना पॉजिटिव स्टेप है ये? ठीक है, बजट तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है फिल्म। और रही बात मल्टी की, तो जब तक अश्लीलता नहीं खत्म होगी आप उसी थिएटर में जाएंगे, मल्टी का तो विचार ही मत कीजिए। सर, आपसे जानता हूँ क्या कहते हैं कि फिल्म को लेकर आला सफाई करने का पता पड़ता है क्या मतलब? सर, आला सफरा फिल्म है, भोजपुरी में अच्छी फिल्म है और उसका जो कथाकार हैं मित्रा जी हैं और एक बढ़िया और अच्छा जो करते हैं, इन्होंने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है और अच्छा पिक्चर है। तो युवाओं के लिए फिल्म क्या कहते हैं, युवाओं को लेकर फिल्म बनाना कितना जरूरी है? सर, कैमरे में से युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। भोजपुरी पिक्चर जो है हमारा जो है एक सब्जेक्ट, एक विषय के नाते जो है बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस करता है। दो तीन स्टेट में जो है, जैसे यूपी हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, तो कई प्रदेशों में हमारा पिक्चर जो है चलता है। सर, आप थोड़ा आगे करें।
उधर पहले तो हम पहले तो दर्शकन के प्रणाम करा था नहीं गोर लगा था नहीं। ये फिल्म के बारे में बता दें कि हम तो रहे वाला भी आरा के बगल कहीं बनी, बहुत बढ़िया कहानी बा। कल मिश्रा जी से हमारी मुलाकात बन रहे नंदू जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं अगली फिल्म भी अगले महीने से करने जा रहा हूँ, एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो कल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, बहुत बेहतरीन कहानी है, मारा छपरा दोनों के बीच में हमारा गाँव बा, तो एक प्रेम कथा बहुत बढ़िया कहानी बा। और गाना छोटे बाबा जी का गाना भी सुन ली, बहुत बढ़िया गाना। तो प्रेम में किस तरह से विघ्न डालने वाले हैं, कितना ज़्यादा समस्या लगा? अब तो देखिए अभी कहानी सुने हैं, सब बातें जब बन जाएगी तो क्या करेक्टर निकलता है, अभी पूरी कहानी बनी नहीं है। उन्होंने आज आमंत्रित किया कि गिरीश जाइए धन्यवाद देने, तो हम पूरी टीम को धन्यवाद देने दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि 2018 की यह फिल्म सुपर डुपर हिट, यही मैं कहूँगा। जी हाँ, ये तो कहानी आरा छपरा जब दियारा क्षेत्र का है तो उसमें तो कुछ बात बनेगी ही ना, का नहीं है क्योंकि मैं उस बेल्ट का हूँ, उस क्षेत्र में एक दबंगई होती ही है, उसी के बीच में दोनों हीरो हीरोइन का प्यार बुना गया है, उसमें तो थोड़ी सी खलल हम लोग डालेंगे ही। हम हैं जय भाई हैं, देव बाबू आ गए हैं, तो बिना इसके बिना तो कहानी बढ़ेगी ही नहीं। सर 8-10 फिल्में साइन है, अभी लाल आ रही है, बनारसी पहलवान आ रही है, और कल इसी जगह हमारी एक फिल्म तकरार की मुहूर्त है नंदू जी के साथ, एक फूल दो पत्थर करने जा रहा हूँ, इस ढंग से 10-12 फिल्में फ्लोर पे है। नंदू जी आइए, यहाँ ये फिल्म और उस फिल्मों से कुछ अलग स्टोरी है, और अभी मेरी एक फिल्म सखी के दिया आ रही है, और ये फिल्म में हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक्शन है, रोमांस है, और लव स्टोरी है, इमोशनल है, कॉमेडी है, और छोटे बाबा का म्यूजिक है, दिनेश जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिश्रा जी क्रिएट कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मतलब मार्केट का टेक्नीशियन है, और आर्टिस्ट भी सब मार्केट का है इसमें। अभी काफ़ी दिनों से शूट से जुड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं निर्देशन जो करते हैं, कितना चुनौती होता है निर्देशन करने में, और कितना बदलाव आया है? पहले से तो काफ़ी बदलाव आया भोजपुरी इंडस्ट्री का, और आगे बहुत जल्दी काफ़ी सुधार हो जाएगी। अभी बहुत सारे निर्देशक को दिमाग में आ रहा है कि जो मैंने जो गलतियां किया है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी सुधार होगी। वो जो कम तुलना होती है बॉलीवुड या भोजपुरी की, बॉलीवुड कितना ज़्यादा जो तुलना होती है वो सही है या गलत, क्या कहना चाहेंगे? तुलना तो बहुत गलत हो रहा है जो भी है, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत जल्दी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा? हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में एक फूल दो पत्थर 15 मई से दिल्ली में शूट है, उसमें रितेश पांडे हीरो है। सर आपसे क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, किस तरह से जुड़े हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फिल्म की? फिल्म की जिम्मेदारी मेरी बहुत है, और कहानी मैंने लिखी है, और ये कहानी चूँकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ बिहार का, इसलिए मैं हर पिक्चर देखता हूँ, हर का रिपोर्ट मालूम है, तो मैं कुछ अलग हट के जो हमारी संस्कृति है मैंने उसको लेके चला है। मैं देख रहा हूँ कि आज भोजपुरी में जो हमारी संस्कृति है उसको लोग छोड़ दिए हैं, केवल संवाद हटा दिया जाए तो ये नहीं पता चलती एक पिक्चर हिंदी है कि तमिल है कि तेलुगु है, लेकिन ये पिक्चर है प्योर भोजपुरी जो बेल्ट का है, हमारे यहाँ जिसमें शादी विवाह एक्शन और जो रियल घटना है, एक रियल घटना पर ये कहानी है, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी फिल्म का बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ा है? बढ़ा नहीं है, घटा है। क्या कारण है? कारण यही है कि जो हमारी डिमांड है वो पब्लिक की जो डिमांड है वो सही से मिल नहीं पा रहा है। पब्लिक की क्या डिमांड है और प्रोड्यूसर? पब्लिक की डिमांड ये है कि हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि बगल में किसी अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगी हो, शाहरुख खान की पिक्चर लगी हो, तो हम वही चीज़ भोजपुरी में भी देख रहे हैं, जबकि हमारी भोजपुरी से उनकी मेकिंग अच्छी है, तो हम वो क्यों नहीं देखेंगे? हमको तो अपनी भोजपुरी देखनी चाहिए। तो भोजपुरी में हमारी जो चीज़ आज देखिए, साउथ की पिक्चर देखिए कितने खर्चे से बनती है, लेकिन वहाँ पर उन लोग का कल्चर नहीं छोड़ते हैं, लुंगी जरूर पहनेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपना कल्चर छोड़ दिया है। तो क्या बदलाव चाहते हैं अपनी तरफ से आप? अब बदलाव हम अपनी पिक्चर में ला दिखेगा आपको, और इस
देव जी सामने अपने पब्लिक को मैं मतलब अच्छी फिल्में बना कर दूँगी जिससे कि हमारा कुछ नाम हो। आकर्षित यही किया कि मतलब मैं अपने भोजपुरी समाज को मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि भोजपुरी लोग आज की वक्त पीढ़ी देखना नहीं चाहता, यही चाहता हूँ मतलब पब्लिक उसे देखे हमारी युवा पीढ़ी। जैसा अभी आपने सुना कि भोजपुरी फिल्म का जो बिजनेस है कम हो रहा है, क्या करना चाहिए, कितना बड़ा चुनौती आपके लिए फिल्म को करना? चुनौती तो है, इसी को इसी का तो सामना करना है हमको। और किस तरह से ये फिल्म को मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्या अपनी तरफ से आउटपुट देंगे? बेहतर बनाने की कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा समाज है उसको संस्कार उसको लेकर इस फिल्म में चल रहा है। और इस फिल्म के अलावा और कोई फिल्म पे काम कर रहे हैं? अभी स्टोरी पे काम चल रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते और कहते हैं कि आज के जो नौयुवक हैं, जो नौजवान हैं, वो देश का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े वो होते हैं कि वो कभी भी बदलाव ला सकते हैं। तो युवा वर्ग के लिए मैं यही कहूँगा कि आजकल जितनी भी फिल्म आप हिंदी में देखिए, जितने हैं यंगस्टर्स हैं सब लॉन्च हो रहे हैं। अभी शान खट्टर की एक फिल्म आई है बियॉन्ड द क्लाउड्स, द कमाल फिल्म है, माजिद माजिदी ने उस फिल्म को बनाई है, ऑस्कर अवार्ड विनर। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी में 3 स्टार्स हैं, सब लोग जानते हैं, और यंगस्टर्स की ज़रूरत बहुत है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि नए लड़के आएँ, नई कहानी आए, नई चीज़ें हैं आएँ ताकि लोग देखें, क्योंकि भोजपुरी में बदलाव हो सकता है। देखिए सर, जुड़ना ये तो बात की बात है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है प्यार, और हमारा नंदू जी के साथ ऐसा ही एक लगाव है। मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी बजरंग, जब मैं बिल्कुल नया था, एक्टिंग की बारे क्या उतना मेरे को नहीं पता था, लेकिन स्टार्ट थी। तो कहते हैं कि उस वक्त कच्चा बर्तन था, उसमें पानी भरना और ये करना, तो सर के साथ तब काम किया था। और हमारे जय भाई हैं, हमेशा हमें मुझे बहुत प्यार दिया है, और बजरंग के समय में हमारी मुलाकात हुई थी, तो नंदू जी ने मुझे बोला कि प्लीज़ आज हमारा मुहूर्त है, आना है। और गिरीश भैया मिले थे, गिरीश भैया ने बोला, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, और मैं इसलिए आया हूँ। और मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म आरा छपरा एक प्रेम कथा के लिए। इसमें हमारे प्रोड्यूसर हैं दिनेश सिंह जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज़रूरी है, हम नए प्रोड्यूसर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, तो फिल्मों का बदलाव ऑलरेडी होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। सर मेरी अभी तो रिसेंटली डमरू रिलीज़ हुई थी, जिस हिसाब से हमने सोचा था वो रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद तुरंत लोहा पहलवान है, दुल्हन गंगा पार की 11 तारीख को रिलीज़ है, आवारा बालम है। इसके अलावा मेरी तीन हिंदी फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ में, जिहाद है जो कांस में 11 मई को दिखाई जा रही है, उसके निर्माता हैं हैदर काजमी जी, और उसके निर्देशक हैं श्री निर्देशक हमारे एक मित्र हैं बहुत वो दिनेश सिंह, और एक क्रिकेट मेरी हिंदी फिल्म आ रही है, वो सब हिंदी फिल्में लाइन से कर रहा हूँ। और भोजपुरी में कंटिन्यू फिल्में हैं, अभी लास्ट मैं संघर्ष किया हूँ खेसारी जी के साथ, अभी मैं स्पेशल इनकाउंटर करने जा रहा हूँ फिल्म। देव देव एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 11 मई वाला, सुना है कि देव सिंह शादी करने वाले हैं। बस सर ये समझ लीजिए कि एक समय आता है जब आपको जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। तो मेरे भी अब हलाल होने का वक्त आ गया है, और मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको बार बार उनको मना करूँ। फाइनली आके अब इस बार मैं मान गया हूँ, और 11 मई को मैं शादी कर रहा हूँ। और आप सब जितने लोग देख रहे हैं, आप सब इनवाइट हैं, आप लोग आइए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, ताकि मुझे हिम्मत मिले जिम्मेदारी उठाने की। 11 मई को कहाँ होगी शादी और किससे? लड़की से होगी, लड़की से शादी होगी। और जी जी, हाँ लड़की भी बलिया की है और मैं भी बलिया का हूँ, और लेकिन कोइंसिडेंटली वो लोग यहीं रहते हैं पनवेल में, और उनका नाम सोनम है, वैसे उनका असली नाम रागिनी है। तो अवधेश हमारे भैया हैं, अवधेश मिश्रा जी, उनकी वाइफ का नाम भी रागिनी है, संजय भैया की वाइफ का भी नाम रागिनी है, और मेरी बीवी का नाम भी रागिनी है, बट सोनम उनका प्यारा नाम है, आप सभी उनको सोनम से पुकारिए। और 11 मई को आप सब उनको देखिए और आशीर्वाद दीजिए। यह गंगा मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है उस दिन दुल्हन गंगा पार की 11 मई को, और मेरी भी रिलीज़ हो रही है उसी दिन 11 मई। एक कैसेट मेरे को ही बना के दे देना, भेज दूंगा सर। वो कैसेट हमें सर आप ना बिल्कुल रिवाइंड करके देखना स्टार्ट से,
नहीं, आपने जो बोला मैं भी झेलने जा रहा हूँ। तो क्या करूँ, अब सबको सुनता हूँ तो मुझे लगता है भाई करूँगा। मुझे ये जान के सच में खुशी हुई कि लड़की से शादी कर रहे हैं कम से कम। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आजकल तो जमाना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों खबर थी सोनम गुप्ता बेवफा थी, कुछ वक्त बदला है? अरे मेरी अभी गुप्ता नहीं है, सिंह है, इसलिए बेवफा नहीं हो सकती। थैंक यू धन्यवाद। उसका मतलब सबसे पहले तो मैं नंदू जी का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैं गोवा में शूट करके आई भोजपुरी मूवी। मैंने हिंदी मूवी भी किया तीन, लेकिन भोजपुरी मूवी में एक बार पहली बार किया, ये सेकेंड मूवी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नंदू जी के साथ काम करके, मुझे और भी ऑफर्स आया है बहुत सारा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि नंदू जी ने दिए और मिश्रा जी के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सबको, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझे चांस मिला, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले तो मेरे दोस्त नंद किशोर महतो का हार्दिक शुभकामना। मुंबई में मेरे तीन दोस्त हैं जिनमें नंदू जी सबसे खास में खास हैं, और आरा छपरा की प्रेम कथा, इसकी मैं नंदू जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नंदू जी अभी कुछ बातें चल रही थी कि अश्लील और अश्लीलता, उसके लिए बहस छिड़ी थी, लोग बोल भी रहे हैं कि अच्छी फिल्में बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि नंदू जी इसमें सफल हो जाएंगे। एक सीनियर डायरेक्टर हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और भोजन कम से कम मेरी जानकारी जहाँ तक है 7-8 फिल्में कर चुके हैं और आगे करने जा रहे हैं, 2-3 मुझे मालूम है। तो एक अच्छा डायरेक्टर, एक्सपीरियंस डायरेक्टर किसी प्रोजेक्ट में करता है तो निस्संदेह एक अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और प्रोड्यूसर्स के लिए और समाज के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए एक अच्छी मूवी बनाकर देगा। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि मल्टीप्लेक्स, अगर ऐसे डायरेक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस है और भोजपुरी फिल्म अश्लीलता से दूर कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमारी फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में लगेगी और लोग उसे देखेंगे। मैं इस फिल्म में डिजाइनर के रूप में हरिओम राय, शिवजी मिश्र जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी कहानी आरा और छपरा जो है फुल एक्शन और रोमांटिक दोनों है, और वहाँ की ज़मीन से जुड़ी हुई सारी ये कहानी है जो कि दर्शकों की बहुत पसंद आएगी। डिजाइन करने हाँ क्या क्या करना चाहेंगे, जो विषय है उस विषय के अनुसार उससे डिजाइन, उस विषय के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और अभी इसके जो स्टार कास्ट है, और मैं एक बोलना चाहती हूँ, सर का डिजाइन तो मीन्स मतलब क्या बोले, जितना भी तारीफ किया जाए कमी है कि नंदू जी जो है बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके पहले भी इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, अभी एक और फिल्म है जस्ट सकी का ब्याह, सकी के ब्याह रिलीज होने वाली है, हाँ, चार उसकी भी डिजाइनिंग मैंने ही किया है, हाँ। और भी बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड की है, ये सारी मैं डिजाइन कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ, बताओ क्या हो रहा है अभी फिलहाल, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, भोजपुरी में काम करेंगे क्या? ये भोजपुरी हॉलीवुड में क्या बाल विवाह पर आधारित फिल्म है? नहीं नहीं, बाल विवाह अच्छा, स्टैंडर्ड 10 में तो बाल विवाह का आधार फिल्म होती है, थोड़ा पीछे ले रहे हैं। सबसे पहले आर छपरा की टीम को, जो निर्देशक निर्माता जो भी हैं, सबको पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना। ये अच्छी फिल्म में एक म्यूजिकल शुरुआत है, ये हम लोग जब भी ये अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं और कोई मुहूर्त होता है, खास करके ये मैं स्पेशल है मेरे लिए, जो मैं बोलूँगा, जो इसके लेखक हैं शिवाजी मिश्रा जी और शिवजी मिश्रा जी, और जो इसके साथ में फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो इनसे मेरी एक काफ़ी पुराने, मतलब हम लोग करीब 17 साल से करीब हम लोग एक साथ में हम लोग आए थे मुंबई में, और मैं भी अपना स्ट्रगल करते रहा, ये शुरुआत के दिनों से ही मेरे साथ में रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं ये,
और आज इनकी पहली फिल्म और मुझे करने का सौभाग्य मिला है तो बहुत खुश हूँ मैं जी। क्या इसमें नया होगा म्यूजिक के लिए, क्योंकि आपके ढेर सारे हिट हैं, तहराते दिया बुतागो दुनिया का मामले, रिसेंटली भी वांटेड का एक गाना बड़ा हिट जा रहा है मोबाइल में और एक नया फ्लेवर में है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो हो गया उसके बारे में तो ठीक है, आगे मैं यही सोचूंगा कि इसमें उससे कुछ नया, कुछ हट के जो वो हो गया अब उससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक गाना मैंने रिकॉर्ड भी किया है इनके फिल्म का, ये मेरे ख्याल से आज हम लोग सेकंड सॉन्ग है जो ये करने जा रहे हैं, और बिल्कुल मैं अपने हिसाब से भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया हो, बाकी अब दर्शक के ऊपर है, श्रोता के ऊपर है। छोटे बाबा जी, कहा यह जाता है कि आपके पास शायद कोई ट्रिक है जिससे यूट्यूब पे जो भोजपुरी का टॉप परफॉर्मिंग सॉन्ग्स हो आपके पास म्यूजिक है, ऐसा क्या करते हैं? वैसा कोई मेरे पास कोई मंत्र तो नहीं है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक फिल्म हर एक गाने मेरे लिए चुनौती है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे संतुष्टि मिले, जो ट्यून मैंने बहुत सारा बनाता हूँ मुझे जो भाए, मुझे स्पेशल लगे कि नहीं ये इसके पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और सबसे पहले जो मुझे पसंद आए वो मैं किसी और को सुनाता हूँ। ट्यून में एक गाने के कम से कम 10 बनाता हूँ, 12 बनाता हूँ, 20 बनाता हूँ, मतलब नहीं है, हो सकता है कि एक भी बने, लेकिन अगर मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं दूसरे को सुनाता हूँ, नहीं तो सामने से लोग बोलते हैं क्या बना, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ जब तक। यही मेरा मंत्र है कि मैं कुछ भी ओपन नहीं करता जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊँ। लगता ऐसा है कि आपका म्यूजिक शायद कौन सी पर ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि चाहे आम्रपाली के साथ हो गाना हो या फिर अनवांटेड का गाना हो चाहे लुलिया हो। पवन जी मेरे नोट पर जब गाते हैं, जो मैं सोच के कुछ बनाता हूँ अगर, तो पवन जी एक बहुत सुरीले सिंगर है, तो वहाँ उस गाने को मेरे ख्याल से न्याय मिलता है, जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से वो उसको सजाते हैं, तो फाइनली वो गाना उभर के आ जाता है जो कहना चाहता है। कोई ऐसा गाना जो फिलहाल रिकॉर्ड हुआ आपको लग रहा हो कि ऐसी कोई कामयाबी वो हासिल करेगा आने वाले वक्त? आज ही मैं एक वांटेड फिल्म का मेरा एक गाना आज ही यूट्यूब पे आया है, हरा छपरा, इसके बाद तो फिर लगना है इसको। थैंक यू।